नमस्कार दर्शकों, एस टुडे की स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है आज का वो है कोरोना वायरस, जो कि एक महामारी है। WHO ने इसे महामारी जो है घोषित किया हुआ है। ये जो वायरस है, कोरोना वायरस जो है वो चीन के वुहान क्षेत्र से जो है वो आया है और ये जो है 170 कंट्रीज़ में फैला हुआ है। इंडिया की बात करें तो इसमें 166 मामले जो हैं वो पाए गए हैं। इसमें जो हैं 141 मामले जो हैं वो भारत में जो भारतीय हैं उनमें हैं और 25 जो हैं वो विदेशी जो नागरिक हैं उनमें हैं और 3 जो हैं वो इसमें डेथ जो है लोगों की हो चुकी है। और मैं आपको बता दूं कि जो कर्नाटक के एक 76 वर्षीय पुरुष थे उनकी मृत्यु हुई है। और दूसरा है दिल्ली में केस आया है, वहाँ से भी एक लेडी थी उसकी डेथ हुई है। एक केस जो है वो महाराष्ट्र का है बताया जा रहा है, महाराष्ट्र में एक डेथ हुई है। तो हम यहाँ पे लोगों से जानेंगे कि हम यहाँ पे देखते हैं कि लोगों को कितना पता है कोरोना वायरस के बारे में और उनके क्या मानना है कि किस तरह से इसको रोका जा सकता है। तो हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि कोरोना वायरस के बारे में वो क्या जानते हैं। सर, आप हमें बताइए कि आप कोरोना वायरस के बारे में क्या जानते हैं। कोरोना एक चाइना के सिटी वुहान से स्टार्ट हुआ एक वायरस है, जिसका आई थिंक अभी तक कोई मेडिसिन की अगर मैं बात करूं तो अभी तक निकली नहीं है, लेकिन हाँ लास्ट एक दो दिन से पहले आई थिंक US में इसकी खोज हुई है, जो इन्वेंशन हुई है कि आई थिंक 40 से 50 लोगों पे 18 से 55 के उम्र के लोगों के ऊपर इसके ऊपर सर्वे किया है और शायद पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। और रही COVID-20 की बात, देश में काफ़ी जागरूकता है इस समय। अगर मैं बात करूँ ITs, SEZ, इकोनॉमिक स्पेशल इकोनॉमिक ITs और काफ़ी सारे ऑफिसेज, स्कूल, कॉलेजेस काफ़ी बंद किए हैं प्रशासन ने। मैं सभी मतलब पूरे भारतवर्ष की बात करता हूँ, साथ में अगर भारत के बाहर की बात करूँ तो काफ़ी अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं कि लोग कम जुट रहे हैं। धारा 144 हमीरपुर में भी लागू हो गई है, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस है लोगों के प्रति। लोगों को काफ़ी जागरूकता है इसके बारे में कि जैसे घर पे भी अगर हाथ साबुन से धोने हैं तो 20 सेकंड्स का टाइम देना है उसके लिए, देन आप बाहर निकल रहे हो तो मास्क लगा के निकलो और क्राउड वाली जगह पे मत जाओ। तो इट्स अच्छा है रिस्पांस। और हिमाचल में तो लोग एजुकेटेड हैं, और हमीरपुर की बात करूँ तो ऑब्वियसली काफ़ी जल्दी वो इसके ऊपर एक्शन ले लेते हैं। तो दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पे कुछ और भी लोग जुड़े हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं कि वो क्या मानते हैं कि ये कोरोना है क्या। मैम देखिए, जैसा कि हम भी न्यूज़ चैनलों में सुन रहे हैं कि इसमें आपको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, और इसमें यह है कि आपने थोड़ा सा अपना मतलब जो हाथ धोते रहना है बार बार, थोड़ा सा जो सर्दी जुकाम थोड़ा सा है तो उसमें आपने थोड़ा आइसोलेटेड हो जाना है और मेडिकल चेकअप करवाना है। और जैसा कि अभी तक तो हिमाचल में कोई ऐसा केस है नहीं, लेकिन आज जैसा कि चंडीगढ़ में एक पुष्टि हो गई है कि यहाँ पर कोरोना वायरस है, तो हो सकता है यहाँ पर भी फैल जाए, लेकिन अगर हम थोड़ा सा प्रिकॉशंस रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत है जितना ज़्यादा मतलब लोग सोच रहे हैं इस बारे में। ओके सर, तो आपको क्या लगता है कि जो बच्चे हैं, अभी हाल ही में सरकार ने जो है बच्चों को स्कूल जो है बंद कर दिया, कॉलेजेस, तो आप क्या मानते हैं कि कितना अच्छा है। मैम देखिए, इसमें ये सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया हुआ है कि अभी से सरकार जो है इतने प्रिकॉशंस ले रही है कि मतलब परीक्षाएं भी जैसे स्कूलों में बंद कर दी हुई हैं, मैं भी स्कूल में टीचर हूँ तो हमारे स्कूल की भी सभी परीक्षाएं जो है वो रद्द कर दी गई हैं टिल फर्दर ऑर्डर, 31 मार्च के बाद ही वो डिसाइड करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा डिसीज़न है, क्योंकि अगर मान लो किसी को है तो इससे फिर सभी को संक्रमण का खतरा रहता है, तो इसलिए ये बहुत अच्छा डिसीज़न है। और मेरी राय है कि जितना कम हो सके उतना कम हमें घरों से बाहर निकलना चाहिए। अननेसेसरी मतलब जो ट्रैवलिंग है या सामान एक बार रख कर लेकर रख लें, जो बहुत ही ज़रूरी सामान है वो एक बार ले जाएं और घरों में रख लें, तो इसमें ज़्यादा मतलब अननेसेसरी जैसे कपड़े खरीदने में लगे हुए हैं तो वो ऐसा काम नहीं करने में। मतलब आपके बोलने का मतलब है ज़्यादा भीड़ वाले क्षेत्रों में ना जाएं, जहाँ पे ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे ज़्यादा खतरा है कि अगर किसी एक व्यक्ति को है तो वो अगर किसी चीज़ को टच करेगा तो फिर आगे भी वो बढ़ सकता है। हाँ जी, हाँ जी, यही है कि उसका कुछ लाइफ पीरियड है और जब तक उसको लिविंग सरफेस नहीं मिलेगा तब तक वो ट्रांसमिट नहीं होगा, इसलिए अपने हाथों को बार बार धोते रहो। अगर आप ऐसी किसी मेटल के कॉन्टैक्ट में आते हो तो यही बार बार
हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी गाइडलाइंस जारी की हुई हैं और अभी हमीरपुर में भी धारा 144 लगा दी हुई है कि 3-4 लोग से ज़्यादा खड़े नहीं हो सकते भी। तो ये एक अच्छा डिसीजन है, मेरे को नहीं लगता कि कोरोना जो है वो सेकंड स्टेज से थर्ड स्टेज में जाएगा। मतलब सर अभी जो मतलब विशेषज्ञों की माने तो ये जो है सर्दियों में ज़्यादा फैलता है। हाँ ऐसा बोल तो रहे हैं लेकिन ऐसे ही अभी तक, क्योंकि एम्स के डॉक्टर्स ने भी अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है कि यहाँ ज़्यादा टेम्परेचर होने से, हाँ ज़्यादा टेम्परेचर होने से इसका थोड़ा सा जो संक्रमण है वो थोड़ा कम हो जाएगा जो इसके फैलाव है। और दूसरी जो उन्होंने मतलब इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि आपको अगर गले में कुछ ऐसा फील हो रहा है, जैसा कि उन्होंने बताया कि 4 दिन तक ये गले में रहता है, तो आप पानी के गरारे करते रहो, थोड़ा सा नमक डालकर, बाकी और कुछ ऐसा नहीं है। भीड़ भाड़ के क्षेत्रों में, बालिक क्षेत्रों में जाने से बचें। धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। इन्होंने ये बताया कि किस तरह से ये फैलता है, और मैं बता दूँ इसके लक्षण थोड़े से मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, मुझे वैसे पूरे याद नहीं है। जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है, और चीन के वुहान से ये वायरस आया है, और WHO के अनुसार इसके लक्षण जो हैं बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है। तो अगर आप में ये कोई परेशानी आ रही है तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर को चेक करवाएं आप। एक तो है कि बार बार हाथ धोएं, जब आपके हाथ स्पष्ट रूप से गंदे ना हो तब भी अपने हाथों को अल्कोहल आधारित हैंड वॉश या साबुन और पानी से साफ़ करें। दूसरा है छींकते और खांसते समय अपना मुंह और नाक टिशू रुमाल से ढकें। तीसरा है प्रयोग के तुरंत बाद टिशू को किसी बंद डिब्बे में फेंक दें। अगर आपको बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई है तो डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर से मिलने के दौरान अपने मुँह और नाक को ढकने के लिए मास्क या कपड़े का प्रयोग करें। अगर आप में कोरोना वायरस के लक्षण हैं तो कृपया आप हेल्पलाइन नंबर या स्वास्थ्य मंत्रालय की 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर 0112397-8046 पर कॉल करें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जो हैं आप जाने से बचें, और इसमें क्या ना करें वो भी हम आपको बताएंगे। यदि आपको खांसी बुखार का अनुभव हो रहा हो तो आप किसी के संपर्क में ना जाएँ, यदि और अपनी आंख, नाक या मुंह को ना छुएं, सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकें। आपको बता दूं कि सरकार के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है, उसमें ये भी बताया हुआ है कि क्या करें और क्या ना करें। आप इसमें देख सकते हैं, कैमरामैन थोड़ा जूम करके दिखाएं इसको, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें बताया हुआ है क्या आप करें और क्या ना करें। दर्शकों हमारे साथ यहाँ पे कुछ और भी लोग जुड़े हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं कि वो कोरोना वायरस के बारे में जानते क्या हैं। सर आप कोरोना वायरस के बारे में क्या जानते हैं? कोरोना वायरस ये एक संक्रमण रोग है और ये चीन से वुहान से शुरू हुआ है, तो इसके बारे में हम काफ़ी सावधानी बरत रहे हैं और ये लगभग 200 देशों में फैल चुका है। ये तो अब धीरे धीरे चीन ने जो है वो इसको रिकवर कर लिया है, और हमारे जयपुर में भी डॉक्टरों ने इसका इलाज ढूंढ लिया है। अभी हमें खबर सुनी है कि इसका इलाज ढूंढ लिया है, तो हम सावधानी बरत रहे हैं। और अभी भारत में ये सिर्फ दूसरी स्टेज पर है, तो अभी ये महामारी का रूप नहीं लेगा। जब पाँचवीं और छठी स्टेज में आएगा तो ये महामारी का रूप ले लेगा। ये है सर, इसके बचाव के लिए क्या क्या सावधानियां बरत रहे हैं आप? इसके लिए बचाव के लिए हम अपना सैनिटाइज़र जो है वो हम रख रहे हैं, और हमारे जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं वहां पर हम साफ़ सफाई का ध्यान रख रहे हैं, और हम एक दूसरे से काफ़ी दूर से बात कर रहे हैं और हाथ नहीं मिलाते हैं, और हम दूर से नमस्ते करते हैं उनको। और कोई भी अगर संक्रमित हमें कोई ऐसा लक्षण हमें आता है तो हम इसकी फौरन सूचना 104 नंबर पर हम देते हैं। तो इस करके हम बहुत सावधानी बरत रहे हैं, और इस करके अभी हमीरपुर में भी कोई मरीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी हम सावधानी बरत रहे हैं ताकि आगे ये ना फैले और लोगों को परेशानी में ना डाले। इस करके धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। यहाँ पे काफ़ी जो है लोग, मुझे लग रहा है कि काफ़ी जागरूक हैं। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लड़के भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं कि वो कोरोना वायरस के बारे में कितना जानते हैं। आप कोरोना वायरस के बारे में क्या जानते हैं? क्या जानते हैं मतलब?
क्या है मतलब कोरोना वायरस, आप क्या मानते हैं कि क्या है? ये जो जाने ले रहा है लोगों की। अच्छा, तो इसके लिए क्या प्रिकॉशंस? प्रिकॉशंस ये है बस, किसी के टच में मत आओ ज़्यादा, और अपना सैनिटाइजर यूज़ करो, हाफ एन आवर में एक बार हैंड वॉश करो बस। जैसे कि आपको मेरी सहयोगी दीपिका ने बताया कि जो आजकल कोरोना वायरस का खौफ आजकल इस दुनिया में छाया हुआ है, कितना खतरनाक है, और इसके बारे में लोगों से भी जानी राय और लोगों ने भी इसके बारे में कई जानकारियाँ जो दी वो बहुत अच्छी जानकारियाँ दी। इसे कोरोना वायरस को अभी फ़िलहाल महामारी भी घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें कि अभी फ़िलहाल कुछ ही दिन पहले जम्मू कश्मीर में 5 मामले कोरोना वायरस के आर्मी पर्सन में ये लक्षण पाए गए हैं, जिनका कि अभी इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि इस कोरोना वायरस के खतरनाक वायरस के वजह से सरकार ने स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए हैं, जो कि सरकार हर जगह में एडवाइजरी जारी करके सभी लोगों को जागरूक कर रही है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या क्या लोग हैं जो उनका उपाय कर सकते हैं। अपने हाथों को हमेशा धोए रखें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें और मास्क को हमेशा पहने रखें।